मैं आजमगढ़ से इंदु श्रीवास्तव, आजमगढ़ यूपी। मेरा नमस्कार पहुँचे। जन सरोकार मंच का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपने इस मंच को मुझे अपनी कहानी पाठ करने के लिए सुअवसर प्रदान किया। मैं आजमगढ़ से इंदु श्रीवास्तव आप लोगों के समक्ष अपनी कहानी पाठ के लिए उपस्थित हूँ। वह आजमगढ़ जो साहित्यकारों की जन्मस्थली है, साहित्यकारों अपने लेखनी से पूरे विश्व में आजमगढ़ का डंका बजाया हुआ है। आज भी आजमगढ़ से, इस उर्वर भूमि से, इस साहित्यिक उर्वर भूमि से आज भी बहुत लोग अपने साहित्य की दुनिया में अच्छे कार्य कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब तो हमारे आजमगढ़ से महिलाएं भी बहुत अच्छे से निकल रही हैं, जो बहुत समय पहले हाशिए के शिकार थीं, लेकिन अब वो अपने बल पर, अपने भरोसे, अपने जज्बे के साथ आगे बढ़ रही हैं। मैं उसी पावन पवित्र भूमि आजमगढ़ की बेटी हूँ, जो आपके समक्ष अपनी एक कहानी पाठ करने के लिए प्रस्तुत हूँ। मैं आदरणीय देवेंद्र जोशी जी का और जन सरोकार मंच का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका प्रदान किया। मेरी कहानी का शीर्षक है कफन। कहानी का शीर्षक है कफन। प्रदीप की एक छोटी सी दुकान है कफन की। वह कफन के कपड़े बेचता है। बहुत अच्छी आमदनी तो नहीं होती, पर 2 जून की रोटी का जुगाड़ हो ही जाता है। हफ्ते, महीनों यदि 20-30 कफन की बिक्री हो जाती है तो दाल का प्रबंध भी हो जाता है। प्रदीप का 2 कमरों का मकान है। बड़ा कमरा सड़क के किनारे और दूसरा कमरा ठीक बड़े कमरे के पीछे। पीछे वाले कमरे में जाने के लिए एक पतली सी गली बनी हुई है। उस गली में चैनल लगा हुआ है। छोटे कमरे के सामने ईंटों को जोड़कर दीवार बनाई गई है, जिस पर उसने घास फूस की मड़ई रख छोड़ी है। उसके सामने थोड़ी सी खुली जगह है, उसे प्रताप ने रेहटा से खड़ा करके घेर रखा है। उस जमीन में लौकी, नेनुआ, सेम, भिंडी, तरह तरह की सब्जियों को बो रखा है, जिससे कभी कभार सब्जियां मिल जाती हैं तो उससे रोटी के साथ सब्जी का जुगाड़ हो जाता है। यद्यपि वह बहुत गरीब है, फिर भी अपने बच्चों को कभी भी किसी भी प्रकार की कमी रखने नहीं छोड़ता। वह बराबर प्रयासरत रहता है, यद्यपि पत्नी के साथ उसकी बातों को उसका बच्चा सुनता रहता है। उसकी पत्नी पढ़ी लिखी है, पर इतनी नहीं कि कहीं कुछ कर सके। उसके 2 बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। बड़ा 8 वर्ष का कान्हा है और दूसरा 6 वर्ष का अंश। दोनों में अपार स्नेह है। कान्हा उम्र के हिसाब से कहीं ज्यादा समझ, परेशानियों ने उसे बचपन में ही गंभीर बना दिया। प्रताप की पत्नी उमा सुंदर है, लंबी है, पर गरीबी की वजह से वह हमेशा बीमार सी दिखती है। फिर भी वह अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखती है और बच्चों से छिपा करके बिस्कुट, नमकीन रखी रहती है कि कभी कोई मेहमान आ गए तो वह उन्हें दे सके। जिस दिन कफन की अच्छी बिक्री हो जाती है, उस दिन बच्चों की थाली उनके पसंद के खाने से सजी मिलती है। आमतौर पर रोटी, चटनी, चोखा, इन्हीं सब से काम चल जाता है।
कभी-कभी तो रोटी पर कड़वा तेल नमक लगाकर वह दे देती है तो बच्चे बड़े चाव से खाते हैं, कभी भी नानुकुर नहीं करते। जब बच्चे उस रोटी पर कड़वा तेल लगे हुए नमक के साथ उसे खाते हैं तो उस समय उसकी आंखें गीली हो जाती हैं, जिससे अपने बच्चों को वह स्पष्ट देख नहीं पाते। कान्हा चार में पढ़ता है, अंश दो में। दोनों की वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम आने वाला है। सबको पता है कि पास तो हो ही जाएंगे, नई कक्षा में प्रवेश की तैयारियां करनी है। कान्हा समझता है कि पापा उन दोनों के लिए नए क्लास की किताबें और कापियां नहीं खरीद सकते। वह समझता है कि कफन की दुकान से चलना, घर चलाना पापा मम्मी के लिए काफी मुश्किल है। वह कभी भी किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करता। अंश इसके ठीक विपरीत है। वह बहुत जिद्दी है और हर चीज जिद करके ही मंगवाता है। उसी के पड़ोस में निक्की रहती है, उससे एक क्लास आगे। नए कक्षा में जाने का उत्साह निक्की में भरपूर है। नया बैग, नई किताबें, नई कापियाँ, पेंसिल बॉक्स इत्यादि, सब कुछ नया। निक्की के उत्साह की कोई सीमा नहीं है। चहक चहक कर पापा से सारी नई सामग्रियों की लिस्ट बनवा रही है। उसके पापा भी निक्की को बहुत प्यार करते हैं और उसकी सारी फरमाइशों को पूरा करके लिस्ट में लिखते जाते हैं। जब लिस्ट तैयार हो जाती है तो निक्की के पापा मार्केट चले जाते हैं। निक्की अपनी पुरानी किताबें कापियां निकाल निकाल कर दूसरी जगह रख रही है, रद्दी वाले को बेचने के लिए। सुबह के 9:30 बजे हैं, दरवाजे पर अचानक दस्तक होती है। निक्की उठती नहीं है, बल्कि मम्मी को आवाज दे अपनी अलमारी साफ करने लगती है। खटखट, फिर दरवाजे पर आवाज आती है। झल्ला कर निक्की उठती है और दरवाजे की कुंडी खोलती है। सामने कान्हा मुस्कुराते हुए खड़ा मिलता है। नमस्ते दीदी। अरे कान्हा, तुम आओ आओ, अंदर आओ। निक्की कान्हा को अंदर ले गई। क्या कर रही हो दीदी? अरे कान्हा, अपनी अलमारी साफ कर रही हूँ, चहकते हुए वह बोली। पापा बाजार गए हैं मेरी नई किताबें लाने, मेरी नई कापियाँ, पेंसिल बॉक्स, बैग, सब नए नए आएंगे मेरे पास। पापा बोले हैं कि मेरे आने से पहले अलमारी चमक जानी चाहिए, इसीलिए खूब सुंदर से साफ कर रही हूँ। निक्की के बताने पर कान्हा अच्छा कहकर ऐसे उसके साथ हाथ बटाने लगता है कि मानो वह अपनी ही अलमारी साफ कर रहा हो। कैसे आना हुआ कान्हा? निक्की पूछती है। बताओ, कुछ काम था कि घूमने आए हो? तभी निक्की की मम्मी भी मेज पर नाश्ता लगाते हुए उन दोनों को आवाज देती हैं। कान्हा आंटी को देखता है तो बोलता है, प्रणाम आंटी। खुश रहो बेटा, कान्हा के सिर पर हाथ फेरते हुए निक्की की मम्मी बोली। चलो आओ दोनों, पहले नाश्ता कर लो, फिर साफ सफाई अभियान में लगना। फटाफट नाश्ता खत्म करो। दोनों बच्चे नाश्ता करने बैठे पर कान्हा थोड़ा झिझक रहा था। आंटी के स्नेह के आगे वह मना नहीं कर पाया। नाश्ते के समय ही कान्हा निक्की से बोला, पर संकोच बस थोड़ा नजरें झुका करके, दीदी आपकी आपकी पिछली कक्षा की पुस्तकें कहाँ हैं? ठीक ठाक है ना? वह तो ठीक होंगी ही, आप इतने अच्छे से रखती हैं। तभी निक्की बोली, उधर देखो, अलमारी के बगल में बोरे के पास, उसी में तो रख रही हूँ। क्यों? वो दीदी मुझे चाहिए था, आपसे मैं लेने आया हूँ। आप तो जानती ही हैं कि मैं भी पास हो ही जाऊँगा, तो नई कक्षा की पुस्तकें खरीदनी ही पड़ेंगी। पर मेरे पास, फिर वह चुप हो गया। निक्की लगभग उत्साहित होकर बोली, हाँ हाँ
नई किताबें, नई कापियाँ, नया बैग, सब कुछ नया नया आएगा कान्हा। जानते हो कान्हा, मैं एक भी सामान पुराना नहीं रखूंगी, सब कबाड़ में बेच दूंगी। और तुम? मैं नया खरीद कर क्या, फालतू के पैसे बर्बाद होंगे। आप अपनी किताबें मुझे दे देंगी? आप जब कबाड़ी में बेच ही देंगी तो मेरे मुझे दे देंगी तो मेरे काम आ जाएगी। निक्की सुनते ही चुप हो गई। थोड़ी देर बाद बोली, ठीक है, ले लो। उठकर दोनों अलमारी के पास जाते हैं। अपनी प्रत्येक किताब उठाकर निक्की दिखाते हुए बोलती है, देखो कान्हा, अभी भी नई ही लग रही है यह। कहीं से भी न फटी है, न कोई पन्ना ही इसका मुड़ा हुआ है। तुम ले सकते हो, लो। और सारी किताबें छांट कर दे देती है। कान्हा सब किताबों को इकट्ठा करने लगता है। फिर निक्की सोचती है, कान्हा कैसे ले जाएगा? यह सोचकर वह अपना पुराना बैग देते हुए बोलती है, कान्हा, पापा नया बैग भी ले आएंगे मेरे लिए। तुम इस बैग में सारी किताबें रख कर ले जा सकते हो। अच्छा दीदी, अच्छा दीदी, ये बताइए, आप बेचती तो कुछ रुपए मिलते आपको ना, है ना? कोई बात नहीं, तुम मेरा भाई है, तू ले जा सकता है। निक्की के ऐसा कहते ही ठीक है दीदी कहकर कान्हा बैग में पुस्तकें रखने लगा। रद्दी में से उसकी कापियां छांट छांट कर एक एक पन्ना देखने लगा। जिस कापी में ज्यादा पन्ना बचा था उसे वह बैग में भरने लगा। निक सब देख रही थी लेकिन वह कुछ बोली नहीं। कान्हा निक्की से पूछकर बोरे में पेंसिल और रबर भी निकाल लिया। जो निक्की के लिए व्यर्थ की चीजें थीं, वह कान्हा के लिए बहुत उपयोगी। निक्की की मम्मी यह सब देख रही थीं, उनकी आंखें सजल हो आईं। क्या करोगे कान्हा तुम इन कापियों का? निक्की पूछी। इनमें जो सादे पन्ने हैं ना दीदी, उन्हें मैं अलग करके मम्मी को दे दूंगा। मम्मी उस पे दफ्ती लगा करके सील करके नई कापी तैयार कर देंगी और मेरे लिखने के काम आ जाएगा। निक्की समझ नहीं पाई, बस चुप हो गई और कान्हा को एकटक देखती ही रही। कान्हा चला गया। निक्की अपनी मम्मी से बोली, मम्मी, कान्हा कितना दुखी होगा ना, उसे नई किताबें, नई कापियां कुछ भी नहीं मिल रही हैं। उसका भी तो मन करता होगा सब कुछ नया नया मिले। पर निक्की दौड़कर अपनी मम्मी को दोनों बाहों से पकड़ लेती है। उसकी मम्मी भी उसे सीने से चिपका लेती है। उधर गुंजन काफी परेशान हो चुकी थी कान्हा को खोज कर ढूंढ कर। जब वह पहुंचा तो जोर की डपट लगाते हुए बोली, कहाँ घूम रहे थे तुम सुबह सुबह? पता है कितनी देर से ढूंढा जा रहा है तुम्हें? 10:30 बज गए हैं और तुम्हें तनिक भी खाने की सुध नहीं। चूल्हा ठंडा हो गया है, अब खाओ ठंडी रोटी। कान्हा बोला, मम्मी, निक्की दीदी के यहाँ गया था, उनकी किताबें ले आया हूँ। बैग को ऊपर उठाकर दिखाते हुए बोला, वो तो रद्दी वाले को बेचने जा रही थी। अच्छा हुआ जो मैं समय पर पहुंच गया और ले लिया, नहीं तो पापा कहाँ से खरीदते? अब अंश के लिए ही खरीदना पड़ेगा, मेरा काम तो बन गया। उसकी इतनी बातें सुनते ही गुंजन के पैर वहीं के वहीं जम गए। वह कान्हा को ऐसे देख रही थी जैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उसकी आंखें डबडबा आई, गले में जैसे कांटा चुभने लगा हो। हाथ में बैग को देखती गुंजन कान्हा के पास आ उसको चूम लेती है। उसका दर्द आंसुओं में बहने लगता है। अपने को लगभग छुड़ाते हुए, मम्मी, मम्मी, मैंने निक्की दीदी से कह दिया है कि हर साल मैं ही उनकी किताबों को लेकर पढ़ूंगा। वह किसी भी रद्दी वाले को न देंगी न बेचेंगी। बदले में चाहे तो किताबों का दाम, आधा दाम मुझसे धीरे धीरे ले लेंगी। गुंजन कुछ न बोली। आंचल से आंखों को पोंछती हुई उसकी थाली लगाने लगी।
आज सेम का चोखा बना था जिसे रोटी से खाना था। ले खा ले और जाकर दुकान में बैठ थोड़ी देर, पापा को भेज दे खाना खा ले, नहीं तो महक जाएगा, गर्मी जो बहुत पड़ रही है। अंश को खिला दो मम्मी, मैं दीदी के यहाँ खा लिया हूँ, आंटी बहुत प्यार से खिलाएं तो मना नहीं कर पाया। कान्हा बोला, ये तो गलत बात है ना, किसी के भी घर खाना नहीं खाते, क्या सोचेंगे लोग। मैं नहीं खा रहा था मम्मी, पर आंटी बहुत प्यार से, बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यार से बोली तो मैं खा लिया, मना नहीं कर पाया। अच्छा चल ठीक है, अब जा और पापा को भेज, कोई ग्राहक आएगा तो पानी पिलाकर बैठाए रखना, जाने मत देना, पापा तुरंत पहुँचेंगे दुकान पर, समझे। ठीक, ऐसा कहते हुए कान्हा और अंश दोनों दौड़ते हुए पहुँच गए दुकान में। पापा को अंदर भेज ऐसे बैठे कि मानो दुकान को वही चलाते हों। थोड़ी ही देर में एक बूढ़े बाबा साइकिल से आते दिखाई दिए, दोनों भाई चौकन्ना, साइकिल खड़ी कर गमछा से पसीना पोछते बूढ़े बाबा दुकान की सीढ़ियां चढ़ने लगे। कान्हा उठ खड़ा हुआ, स्टूल साफ करते हुए बोला, आइए आइए बाबा, आइए बैठिए इस पर, थोड़ी देर सुस्ता लीजिए, तब तक पापा आ जाएंगे। वह बैठ जाते हैं। पानी पियेंगे आप? हाँ, मैं सिर हिला दिए वह बाबा। कान्हा घड़े को थोड़ा झुकाकर गिलास में पानी भर लाया, वह गट गट करके दो गिलास पानी पी गए। पानी पीकर जब जान में जान आई तो बोले, तनी जल्दी बुला ला बचवा, शाम से पहले गांव पहुँचे के बा, बड़ी गर्मी बा, प्यास के मारे जान जात है, जुग जुग जिया बचवा, जवन पानी ठंडा पिया दिला। कान्हा भागकर अंदर गया और थोड़ी देर में पापा के साथ दुकान में आ गया। उसके पापा जिधर जिस जिस गट्ठर की तरफ इशारा करते, कान्हा ला करके दे देता। आखिर में सबसे कम पैसे वाला चमकदार पीला कफन पसंद आया। कुर्ते की जेब से 20 रुपया निकालते हुए वह देते हुए बोले, बस इतना ही तो बा। प्रताप बोला, कोई बात नहीं चाचा, आप ले जाइए। कफन को कागज में लपेटते हुए प्रताप दे दिया। ग्राहक चले गए। 20 रुपये को माथे लगा प्रताप गुल्लक में डाल दिया। आज की पहली कमाई हुई थी, बिजली कट गई। दोनों बच्चों को अंदर भेज बेना झेलते हुए वह प्रताप वहीं बैठा रहा। शाम गहराने लगी और कोई दूसरा ग्राहक आज नहीं आया। दुकान का शटर बढ़ा, उदास हो प्रताप अंदर चला गया। उसे चिंतित देख गुंजन बोली, क्या हुआ जी, उदास लग रहे हैं। हाँ, आज बिक्री नहीं हुई, सिर्फ 20 रुपया ही आया। दोनों बच्चे सोए थे लेकिन कान्हा जग रहा था, बहाना बनाया हुआ था सोने का। भगवान से भी नहीं कह सकता कि हर रोज मेरी दुकान की अच्छी आमदनी हो। प्रताप बोला, चिंता मत कीजिए जी, सब ठीक हो जाएगा। गुंजन ने झूठी तसल्ली दी। कैसे सब ठीक हो जाएगा भला, कोई जमा पूंजी भी नहीं है कि दूसरी दुकान खोल लूं। कफन की दुकान से इतनी कमाई नहीं हो पाती, पैसे न मिलने की उम्मीद से कोई मदद भी नहीं करता। 2-4 रेडीमेड कपड़े रखा हूँ तो कोई खरीदता ही नहीं है, भला कैसे होगा। गुंजन उठकर खाना लाने चली गई। भात और टमाटर की चटनी बनाई थी आज, दोनों खाकर सो गए। कान्हा को नींद ही नहीं आ रही थी, वह किसी सोच में डूबा हुआ था। रात गमराती चली गई। सुबह तड़के ही कोई जोर जोर से प्रताप को आवाज दे रहा था। नींद से हड़बड़ा कर उठा और बाहर आया, देखा कुछ लोग बाहर खड़े थे, सबके चेहरे पर दुख ही दुख नजर आ रहा था। उनके यहाँ रात में किसी की मृत्यु हो गई थी, वह कफन लेने आए थे। झटपट दुकान खोल प्रताप ने सभी को कफन दिए। सारा आलस प्रताप का भग गया था, सुबह जो अच्छी बोहनी हो गई थी। जल्दी जल्दी नहा धोकर दुकान में पूजा करके वह बैठ गया। सारे दिन ग्राहक आते रहे, आज दुकान पर रखा घड़े को का पानी तीसरी बार भरा गया।
समझौती की बेला तक 3,000 की आमदनी हो गई। दुकान बढ़ाकर प्रताप अंदर आया और गुंजन को रुपए देते हुए बोला, इनमें से कुछ पैसे बचा कर रख देना, कुछ दिन का और इकट्ठा कर लूँगा तो बच्चों का दाखिला करवा दूँगा, बाकी कुछ राशन लेते आता हूँ। न जाने प्रचंड गर्मी के कारण या प्रताप की किस्मत के कारण लगातार 3-4 दिन अच्छी आमदनी हुई। मानो प्रताप और गुंजन की अनकही फरियाद को उनके भगवान ने सुन लिया था। अच्छा पैसा एकत्रित हो गया तो प्रताप कान्हा को साथ ले बाजार के लिए निकल पड़ा। आज वह बच्चों के लिए नए क्लास की किताबें और कापियां तथा बैग खरीदने के लिए पहुंचा। रास्ते में कान्हा ने हिम्मत करके प्रताप से अपनी किताबों की व्यवस्था के विषय में बता ही दिया। अभी तक प्रताप नहीं जानता था। सुनकर ठिठक गया, मानो किसी ने जोर से करेजे में घूसा मार दिया हो। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका नन्हा बच्चा इतनी दूर तक सोच सकता है। अंश के लिए ही खरीदारी हुई। आज चावल, दाल, मैगी और बहुत सी कुछ चीजें खरीदी गई। 2-3 दिन बच्चों को बढ़िया बढ़िया खाने को मिला। कान्हा और अंश मिलकर कापियों पर कवर चढ़ाने लगे। रिजल्ट आया, सभी बच्चे पास हो गए थे। जुलाई में पढ़ने भरपूर था। निक्की अपनी मम्मी के साथ कान्हा के घर घूमने आई। तीनों बच्चे मिलकर खूब धमाचौकड़ी मचाए। गुंजन चाय बना लाई और रोटी पर तेल लगाकर सेंक दी। आशुतोष, निक्की सब आए हैं। गुंजन चाय बना लाई और रोटी पर तेल लगाकर सेंक दी। बच्चों को आवाज दी, बच्चे दौड़ कर आए और ऐसे टूट पड़े चाय रोटी पर जैसे बहुत दिनों से भूखे हों। देखते ही देखते रोटियां खत्म। हंसते बिहंसते सभी फिर खेलने लगे। दोनों माएं देखकर मंत्रमुग्ध हो रही थीं। शाम होते ही निक्की अपनी मम्मी के साथ घर चली गई। चैनल तक गुंजन छोड़ने आई। रात में उसने तहरी बनाई, बच्चों को खिलाकर प्रताप का इंतजार करने लगे। बिजली कटी थी, कान्हा ढिबरी से पढ़ रहा था। गुंजन कान्हा को दुकान में भेजी कि जाकर देखाओ क्यों देर हो रही है। वह बाहर गया तो देखा कि द्वार पर एक ट्रक खड़ा है। उसके पापा ट्रक वाले से बात कर रहे हैं। पास जाकर वह भी सुनने लगा। मालूम हुआ कि ट्रक खराब हो गया है, न जाने वह कब तक बनेगा। पापा के साथ वह अंदर आया। अंदर आते हुए गली के चैनल में प्रताप ताला लगाते हुए आया। अक्सर ऐसा नहीं होता था, न जाने उसे क्यों आज डर लग रहा था। अंदर जाकर उसके पापा एक डिबरी जलाए और ट्रक वाले को बुलाकर चैनल के अंदर से ही दे दिए। आज प्रताप को नींद नहीं आ रही थी। अजीब सा अनजाना भय सता रहा था। गुंजन भी करवटें बदलती रही सारी रात। 4 बज गया भोर का, पर नींद नहीं आई तो नहीं आई। स्नान कर प्रताप दुकान खोल पूजा पाठ किया और बैठ गया। ट्रक उसे बड़ी भयानक लग रही थी। मिस्त्री आया और दिन भर ट्रक को बनाता रहा, पर वह स्टार्ट नहीं हुई। न जाने क्या खराबी हो गई थी। शहर से कारीगर भी बुलाया गया, पर वह सब असमर्थ रहे। इधर प्रताप की दुकान पर रोज भीड़ लगी रहती थी। बचत के काफी पैसे इकट्ठे हो रहे थे। प्रताप को शायद याद आ रहा था कि निक्की की साइकिल से कान्हा ने भी साइकिल चलाना सीख लिया है। उसने गुंजन से पैसे मांगे और सेकेंड हैंड की साइकिल खरीद लाया। साइकिल देख दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए। कान्हा निक्की को अपनी साइकिल दिखा आया। अंश को चलाने नहीं आता, पर वह जिद्दी कान्हा को लेने ही नहीं देता साइकिल। पापा मम्मी के समझाने पर भी वह नहीं छोड़ता, तब कान्हा ही मना कर दिया। आंगन में ही उसे साइकिल चलाने देता और खुद पीछे से पकड़े रहता। ट्रक अभी भी खराब खड़ा था। ड्राइवर और खलासी परेशान हो गए थे। लगभग 1 हफ्ते का समय बीत गया, पर ट्रक नहीं बन सका।
इस दौरान जाने अनजाने ड्राइवर और खलासी का लगाव प्रताप और उसके बच्चों से गहरा हो गया। जून की प्रचंड गर्मी पड़ रही थी और गर्द से भरी लू चल रही थी। सभी जीव जंतु प्राणी बेहाल थे। कान्हा सुबह जल्दी जग गया। अंश अभी सोया हुआ था। कान्हा मम्मी से बोला, मम्मी अंश अभी सोया है, क्या मैं साइकिल चलाने जा सकता हूँ? जा, पर कुछ खा ले बेटा। क्या बनाओगी मम्मी? तुम बताओ कि क्या खाओगे, वही बनाए देती हूँ। मम्मी आज टमाटर की चटनी संग गर्मा गर्म रोटियाँ, बस यही मन है खाने का, बहुत दिन हो गए हैं। ठीक है, अभी बनाती हूँ। रुको, यही आंगन में चलाओ, तब तक बाहर जाना मत। तुम बनाओ मम्मी, मैं बस स्कूल तक चला कर आता हूँ। बस एक राउंड मम्मी, यूं गया और यूं आया, कहते ही वह चुटकी बजा देता है। कहा ना कि आंगन में चला लो, सड़क पर नहीं जाना, समझे? तेज धूप हो रही है। अभी तो अच्छी हवा चल रही मम्मी, अभी जाने दो ना, अभी तो 8 ही बजा है, गाड़ियां भी नहीं दिख रही हैं इस समय सड़क पर। प्लीज मम्मी, जाने दो ना। कान्हा कभी भी जिद नहीं करता, पर आज वह साइकिल चलाकर स्कूल तक जाने की जिद बराबर कर रहा था और गुंजन बराबर मना कर रही थी। लेकिन कान्हा इतना जिद करने लगा कि अंततः गुंजन को मानना ही पड़ा। ठीक है, जाओ, पर सड़क पर मत चलना, किनारे किनारे चलाना और ध्यान से चलाना। शुक्रिया जन सरोकार मंच। ठीक है मम्मी। मम्मी की गालों पर मिट्टी देते हुए कान्हा चला गया। मेरी अच्छी मम्मी, किनारे किनारे ही चलाऊंगा, सड़क पर नहीं चलाऊंगा। कान्हा साइकिल लेकर निक्की के पास गया, उसे चलाकर दिखाया। वह अपनी साइकिल ले आई। दोनों बच्चे गोल गोल साइकिल चलाने लगे। 2 राउंड के बाद कान्हा बोला, दीदी चलो स्कूल तक चलते हैं, मम्मी से पूछकर आया हूँ। नहीं, मैं नहीं जा सकती, मेरी मम्मी नहीं जाने देगी, निक्की बोली। ओह, मैं तो साइकिल से स्कूल तक जा रहा हूँ, लौटकर मम्मी से बताऊंगा कि खूब अच्छे से चलाने आ गया है मुझे, इसीलिए स्कूल पढ़ने साइकिल से ही जाऊंगा, मेरी मम्मी पापा मान जाएंगे। रोज पढ़ने जाने के लिए नहीं मानेंगे मम्मी पापा, और नहीं मिलेगी साइकिल कान्हा, देख लेना, निक्की बोली। मिल जाएगी दीदी, मैं मना लूंगा पापा मम्मी को, साइकिल से स्कूल की तरफ जाते हुए कान्हा बोला। सड़क के किनारे किनारे जाते हुए कान्हा को ललचाई नजरों से निक्की बहुत देर तक देखती रही। उसका मन भी हो रहा था कि स्कूल तक साइकिल से जाने का, मायूस हो अंदर चली गई। कान्हा गुनगुनाते हुए स्कूल तक पहुंच गया। आज ट्रैफिक नहीं थी, बस 2-3 मोटरसाइकिल ही गुजरी थी अभी तक। कान्हा साइकिल पर हाथ फेरते हुए स्कूल को बड़े प्यार से निहारने लगा। मन में विचार करने लगा, स्कूल खुलेगा तो साइकिल से आऊंगा पढ़ने, पीछे अंश को बैठा कर लाऊंगा, बड़ा भैया जो ठहरा, मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, सही समय पर ले जाना, सही समय पर पहुंचाना, सब मेरी जिम्मेदारी रहेगी। और खुद अपने कंधे को फिर थपथपाने लगा। मेरी साइकिल देख दोस्त जलेंगे? जले, मुझे नहीं परवाह, जिसके पास साइकिल होगी, जिसे चलाने आएगा, वही ना चलाएगा, वही आएगा स्कूल। बड़ी देर तक खुद के ख्यालों में खोया रहा कान्हा। पहली बार आज उसमें बालक सी मासूमियत दिखी। फिर साइकिल घर की तरफ घुमा लिया। कुछ ही दूर चला होगा कि एक ट्रक आता दिखाई दिया। ट्रक देखकर वह पटरी से उतरकर किनारे खड़ा हो गया। ट्रक और पास आई तो वह पहचान गया। अरे वाह, यह तो वही ट्रक है जो 1 हफ्ते से खराब खड़ी थी दरवाजे पर, यह तो ठीक हो गई। ट्रक थोड़ी आगे ही बढ़ी थी कि फिर रुक गई। ड्राइवर और खलासी को उतरते देख कान्हा भी वहां पहुंच गया। क्या हुआ अंकल, क्या फिर बंद हो गई? अरे तुम यहाँ,
हाँ बेटा, फिर बंद पड़ गई न जाने कैसे। खलासी ट्रक के नीचे घुसा, थोड़ी देर बाद बाहर निकला तो ड्राइवर से स्टार्ट करने के लिए कहा। ड्राइवर ट्रक में चढ़ गया और स्टार्ट किया तो ट्रक तेज आवाज के साथ स्टार्ट हो गई। उन दोनों के साथ ही साथ कान्हा के चेहरे पर भी मुस्कान बिखर गई। कान्हा को घर लौटने को बोल खलासी भी ट्रक में चढ़ गया। इधर ट्रक स्टार्ट हुआ और उधर कान्हा साइकिल पर चढ़ने लगा। न जाने कैसे वह साइकिल से नीचे गिर गया और ट्रक के पिछले पहिया के नीचे आ गया। एक जोरदार धमाके के साथ कान्हा का सर फट गया। भयंकर चीख से सबका दिल दहल गया। ड्राइवर और खलासी दोनों हड़बड़ा कर नीचे उतरे। कान्हा के पिसान हुए सिर को देखते ही अपने शुद्ध भूत खो वहीं खड़े के खड़े रह गए। देखते ही देखते भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस आई और दोनों को गिरफ्तार कर ली। खबर घर तक पहुंची। खाने पर उसकी मम्मी इंतजार कर रही थी। चीखते चिल्लाते बेसुध भागने लगी। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कान्हा इस दुनिया में अब नहीं रहा। प्रताप पागलों की तरह अकबक करते हुए चला आ रहा था। वह ट्रक काल बनकर खड़ी थी इतने दिनों से मेरे दरवाजे पर। जिसे मैंने रोशनी दी उसी ट्रक ने मेरे घर की चिराग को छीन लिया। निक्की भी सुनी तो रोते बिलखते भागते आ रही थी। ट्रक को कब्जे में ले लिया गया। ट्रक को थोड़ा सा आगे खिसकाया गया। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ी वहां का दृश्य देखकर सभी के मुख से एक आह निकल गई। कान्हा का सर पूरी तरह से गीली मिट्टी की भांति हो गया था। बॉडी पर एक भी खरोच नहीं थी। उसकी मम्मी बार बार बेहोश हो रही थी। ड्राइवर बुदबुदा रहा था, ई बचवा के हम ना मर ली है, ई कैसे हो गया। कान्हा की डेड बॉडी को उठाया जाने लगा। हाथ से पिसान हुए सर को जब पूरा नहीं उठाया जा सका तो उस पर मिट्टी डाल दी गई। वहां की सड़क खून से लाल हो गई थी। आज प्रताप की दुकान कफन की दुकान से कफन ले उसी के बेटे को लपेटा जा रहा था और प्रताप दूर न जाने कहाँ खोया था। कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। हम आप जानते हैं कि कहानियाँ हमारे समाज से ही हमें। मैं आप लोगों को बताऊं ये कहानी सत्य पर आधारित है। हमारे बचपन की एक ऐसी घटना जो कभी नहीं भूलती। दो लघु कथाएं मैं आपको सुना रही हूं। लघु कथा का शीर्षक है निःशब्द अम्मा। पोते पोतियों के चक्कर में दिन रात बहुओं के ऊपर चिल्लाने वाली अम्मा आज शांत हो गईं। अक्सर बच्चे कह देते थे कि चुपचाप खा पी कर के बैठा करो, क्यों परेशान होती हो। जब देखो उसने खाया नहीं, उसने पिया नहीं, उसने ये किया नहीं। बच्चों की देखभाल तुम्हारी बहुओं को भी आता है अम्मा। पर आज बाबूजी के जाने के बाद अचानक अम्मा चुप हो गईं। जहां बैठती वहीं बैठी ही रह जाती। दातुन करने को कहा जाता तो ही दातुन करती, भोजन करने के लिए कहा जाता तो थोड़ा सा कुछ खा लेती। जिस अम्मा के पास बैठने की फुर्सत नहीं थी, जो अम्मा चुप होना नहीं जानती थी, आज उस अम्मा की आवाज़ सुनने के लिए उनके बच्चे तरस रहे हैं। गुमसुम सी अम्मा खुद को ही भूल गई थी। बाबूजी क्या चले गए, मानो अम्मा भी उनके साथ चली गईं। सिर्फ शरीर में सांसें भर ही रह गईं। अम्मा के पास बोलने के लिए अब कोई शब्द ही नहीं थे। निःशब्द अम्मा यह शीर्षक है कहानी का, लघु कथा का। बस एक और कहानी सुनाती हूँ। शीर्षक है बेबसी। एक ब्याहता बेटी की और उसके पिता की क्या बेबसी होती है, उसी पर लिखी हुई कथा है। रजनी हंसी खुशी मायके पहुंची अपनी नन्ही बच्ची के साथ। सबने उसका खूब स्वागत किया, पर उसकी भाभी कमरे से बाहर नहीं निकली। एक दिन अचानक
शोर सुनकर रजनी कमरे से बाहर निकले। देखा भैया भाभी माँ पापा से बहस कर रहे थे। उसने जानना चाहा कि बहस किस बात पर हो रही है, तो उसे किसी ने कुछ भी नहीं बताया। बार बार पापा ने कहा कि तुमसे नहीं मतलब, तुम देखकर भी अनदेखा कर दो। बाद में माँ से सारी बात पता चली। रजनी को बहुत गुस्सा आया और भैया के पास चली गई। बोली, भैया माँ की उम्र अब भोजन बनाने की नहीं रही, उस पर वह शुगर की मरीज हैं। पापा भी इतना पेंशन नहीं पाते जो घर खर्च में लगा सकें। पेंशन के पैसे तो दवा के लिए भी पूरे नहीं पड़ते हैं। आप बड़े लड़के हैं उनके, आपकी जिम्मेदारी बनती है उनकी सेवा करने की, और भाभी चार जन का भोजन बना सकती हैं। उसके भैया ने उसको खूब खरी खोटी सुनाई। पापा उठकर कमरे से बाहर आए और बेटे को न डांटकर रजनी को ही डांटने लगे। तुम्हें अगर लड़ाई करनी है तो तुम अपने ही घर रहा करो, यहाँ मत आया करो, मेरा जीना दुश्वार हो गया है। रजनी हक्का बक्का हो गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पापा उसकी तरफ देखे बिना ही अपने छुपाए आंसुओं को गमछे से पोछते हुए कमरे में चले गए और दरवाजा बंद कर लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जन सरोकार मंच और आदरणीय देवेंद्र जी का।